नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं हूं रमन मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग ग्राम विकास एवं आपके जो समाज है इससे संबंधित चौथी क्लास में हर एक उन मुद्दों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पर मैंने पहली, दूसरी और तीसरी जो है क्लासेज में आपको जिन बीमाओं को तय कराया था, आज उन्हीं में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम लोग बहुत विधिवत चर्चा करेंगे। क्योंकि देखो, ग्राम विकास की जब भी अवधारणा आपके सामने आएगी तो एक चीज जरूर दिमाग में आपके बनता है कि गांधी जी के द्वारा सुझाए गए वह सारे जितने भी आपके मतलब गांव से संबंधित, विकास से संबंधित उनके आइडियाज रहे, उनकी नीतियां रही, उन नीतियों का प्रयोग गांव में कहां दिखाई देता है। और इसी में जब भारतीय संविधान आप पढ़ते हो तो नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांत की हम अलग से परिकल्पना करके उनके विचारों को देखते हैं कि उनका प्रभाव जिन जिन मांगों को वो करते रहे गांवों के विकास में, क्या क्या नीतियां उनके द्वारा जो सुझाई गई थी उनको भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं बहुत ही आपके एक क्लियर पॉइंट पर ले जा रहा हूं, यानी बहुत ध्यान से आपको समझना है कि गांवों में विकास, मैंने सामुदायिक विकास आपको बता दिया, लेकिन सामुदायिक विकास आखिर गवर्नमेंट क्यों सोचती है। ठीक है, गवर्नमेंट ने सबसे पहले गांव के विकास के लिए किन दो विकल्पों का चुनाव किया, उन दो विकल्पों में कैसे कैसे विकास आते हैं। ठीक है, यानी बहुत ही कॉन्सेप्ट, देखो एक चीज आप पढ़ते हो, ठीक है, अपने यहां जो है बूंद बूंद थ्योरी आप पढ़े होंगे अर्थशास्त्र में, ठीक है, अर्थव्यवस्था में आपने पढ़ा होगा कि बूंद बूंद थ्योरी का सिद्धांत जो है किसने दिया। तो वो बूंद बूंद थ्योरी क्या है, हम ये मानते हैं कि सबसे ऊपर से आपका जो है कोई एक परियोजना चलाई गई सबसे ऊपर से, तो उसमें सबसे ऊपर से लेकर सबसे समाज का सबसे निचला तबका हर एक लाभान्वित होना चाहिए, हमारा यह मानना होता है, सरकार का केंद्र बिंदु यह होता है। तो यह जो थ्योरी रही, आखिर सरकार ने किस दृष्टिकोण में अपनाया, क्योंकि इसके दृष्टिकोण अलग अलग हैं, उन सभी पर बहुत विधिवत आपको परिचर्चा आज करनी है। तो आज की क्लास में आपको थोड़ा सा मतलब अपने आप को, ठीक है, थोड़ा ज्यादा आप ये मान के चलिए कि अपने आप को ज्यादा एक्टिव बनाते हुए इस पूरी क्लास को आपको जो है अपने आप में धीरे धीरे निचोड़ना है, क्योंकि यहां से भैया प्रश्न आएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, अगर इन सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं तो आप यह मान के चलो कि जो ग्रामीण विकास में लेकर के, जैसे मैंने बताया कि जितनी आपकी प्रमुख चुनौतियां रही, चाहे कृषि का हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य का हो, चाहे हमारे शिक्षा का हो, चाहे हमारी आत्मनिर्भरता का हो, चाहे हमारे कौशल का हो, इन सभी को लेकर 5 से 6 क्षेत्रों को लेकर अलग अलग योजनाएं हम पर चल रही हैं। ठीक है, आत्मनिर्भरता हमें तब बढ़ेगी तो हमें गरीबी से होगा। राजस्व के पेपर को उठाकर देख लीजिए आप, गरीबी से संबंधित और सरकार के द्वारा जितनी नीतियां चली हैं, 25 में से कम आपको लगभग ये मान के चलिए कि 12 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें नीतियां और ये सब है। 50% ये कवर करता है कि कृषि से संबंधित नीतियां क्या है। तो कृषि से संबंधित नीतियां मैं अगले पॉइंट में, ठीक है, आर्थिक नियोजन से आपको शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें भारत में आर्थिक नियोजन क्या क्या रहा। ठीक है, आर्थिक नियोजन मतलब किस पंचवर्षीय योजना में कौन सी आपकी कृषि को लेकर योजना रही। हालांकि आज जहां तक पॉइंट आपका है, मैं आपको उस बिंदु पर छोड़ूंगा जहां से हमें नई योजनाओं के बारे में पढ़ना होता है कि इस पंचवर्षीय योजना में ये योजना रही। आज मैं थोड़ा सा उस पॉइंट को वहां इसलिए ब्रेक दिया हूं क्योंकि जितनी चीजें मैं आज आपको बता दूंगा इसको कंसाइज करने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा, तो आपको थोड़ा सा गंभीर बनना है। ठीक है, क्योंकि यहां पर मेन बेस है, आपको मैं कई अलग अलग थ्योरी बताने जा रहा हूं ग्रामीण विकास को लेकर के। ठीक है, तो इसको समझिएगा, गांधीवादी विकास क्या है। ठीक है, सरकार के द्वारा जो आपके स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, मैंने सामुदायिक विकास में आपसे क्या पूछा कि गवर्नमेंट में जो रिकमेंडेशन गई, तो गवर्नमेंट को यह रिकमेंडेशन गई कि गांवों के लिए सिर्फ कृषि का विकास ही विकास नहीं होना चाहिए, उनके शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का, उनकी आत्मनिर्भरता का, ठीक है, इन सभी का विकास भी गांव में जरूरी है। उसके लिए नई योजनाएं गवर्नमेंट ने शुरुआत की। तो नई योजनाओं का आना और सामुदायिक विकास का आना दो अलग अलग नीतियां हो गई। तो इन दोनों नीतियों में आखिर इनकी उपज क्या रही, इनके जो है आविर्भाव का कहां से प्रश्न उठता है, उन सभी पर बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको नोट्स पढ़ना यहां पर आज जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जितनी चीजें मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है, ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गंभीर होते हैं तो सब कुछ समझते हुए आसानी से चलोगे।
और दूसरी बात भैया, जो लोग अभी तक जो है इस प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं वो सारे लोग जुड़ जाएं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि नोट्स में बहुत सारी ऐसी बातें मैं लिख देता हूं जो क्या होती हैं, जो कि लेक्चर में बताना मान लीजिए मैं भूल गया या उतना संभव नहीं हो पाता बहुत सारी चीजों में, तो उनको मैं नोट्स में आपके संकलित कर देता हूं। इस वजह से नोट्स ले लीजिए ना, इतनी बड़ी बात है कोई कि आप कोई भी ऐसा जो है स्टूडेंट है कि एक महीने के लिए 150 रुपया खर्च कर पाए, खर्च करने में असमर्थ हो, ऐसी भी बड़ी बात नहीं है। 499 रुपए में 3 महीने के लिए हर एक क्लास का पीडीएफ मिलना, आपके लिए इससे ज्यादा सुविधा की चीजें नहीं दी जा सकती हैं, ठीक है। बाकी जितनी सुविधाएं हमारी तरफ से भैया, सारे वीडियोज फ्री हैं और हर एक क्विज फ्री है। अगर आपको लगता है कि नोट्स की जरूरत नहीं है तो आप अपनी मर्जी के स्वयं मालिक है, हमारा दबाव नहीं है। बाकी 10+ कोर्स इसमें हम कवर करेंगे। इसके बाद जैसे लेखपाल आपका चल रहा है, लेखपाल समाप्त करने के बाद जो है हम लोग संपूर्ण रूप से फिर बढ़ जाएंगे उत्तर प्रदेश एसआई की ओर, ठीक है। उत्तर प्रदेश एसआई के जो आपके सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसकी ओर हमारा अगला कदम होगा। यानी इसमें 10 कोर्सेस में लगातार चीजें चलनी है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से कवर करिए। चलिए लेक्चर की ओर बढ़ रहे, ध्यान दें। आज मैंने आपसे क्या बोला, आज हम जिन चीजों पर आज बहुत व्यापक मैंने आपसे परिचर्चा की है, आज उन्हीं का एक निचोड़ लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और वह निचोड़ आपका क्या है, वह निचोड़ है आपका ग्रामीण विकास की अवधारणा। ग्रामीण विकास की अवधारणा, आपको ध्यान होगा मैंने इस पॉइंट को आपको बताया भी था कि अगला लेक्चर मेरा किसमें होगा, तो ग्रामीण विकास की अवधारणा को पढ़ो कि वह कॉन्सेप्ट, वह थ्योरी सरकार के द्वारा कैसे कैसे सुझाई गई और कैसे कैसे लागू की गई। अब इन पर मैं बहुत विधिवत आपसे पर चर्चा करूंगा। मैं आपको विश्व बैंक की भी थ्योरी को लाऊंगा यहां पर। मैं जितने भी विश्व में जिन्होंने कृषि क्षेत्र या ग्रामीण विकास से संबंधित आपके बहुत अच्छे अच्छे ठीक है व्यक्ति हैं, उनके द्वारा जो परिभाषा दी गई ग्रामीण विकास की, उनको भी बताऊंगा। सरकार ने आखिर जब इस मुद्दे पर सोचना प्रारंभ किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो सरकार ने दो नीतियों के अंतर्गत भारत जो है भारत के गांवों पर कार्य करना प्रारंभ किया था। इन दो नीतियों में थोड़ी सी व्यापकता ये होती है कि ये जो दो नीतियां रही, ये गांवों की जरूरत को समझते हुए बनाई गई थी, ठीक है। एक ऐसी चीजों को रखा गया एक नीति के अंतर्गत जिसमें हमारी जरूरतें कुछ और होती हैं, एक नीति में हमारी जरूरतें कुछ और होती हैं, क्योंकि हमें सिर्फ पेट भरने से मतलब नहीं है। हमारा विकास, गांवों का विकास एक बिंदु पर नहीं होता है। गवर्नमेंट सामुदायिक विकास को चलाने के बाद सीख गई थी कि हम सिर्फ जो है कृषि में पैदावार बढ़ा दें तो भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये चीज जब समझ में आई तो इतनी योजनाएं चली हैं, उन सभी योजनाओं के बारे में बताऊंगा। तो अब क्लास को हम लोग जो है अच्छे से प्रारंभ करते हैं। आपको आज बहुत सारी चीजें वह जानने को मिलेंगी जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नहीं है। देखो, पढ़ाने को हो भैया तो मैं सीधा सीधा पढ़ा दू भू राजस्व, और जो है जिन पर क्या होता है बच्चों का दिमाग बहुत चलता है, लेकिन मैं थोड़ा सा यह चाहता हूं कि आपके साथ मैं ईमानदारी बरतूं, ठीक है। टीम इसी पर काम करती है। मैं आपको कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं कि जहां से कुछ जान पाओ, जहां से आप स्वयं से तर्क वितर्क करने की चीजें सीख जाओ, वहीं आपके लिए पढ़ना उद्देश्य होना चाहिए। नहीं तो ऐसे ऐसे पॉइंट उठा के पढ़ा दो, उसके बाद सब कुछ गायब कर दो, बच्चों को लगेगा क्या। तो यहां मैं डेमो नहीं दे रहा हूं आपके सामने, ठीक है। मुझे डेमो देना होता तो मैं आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स उठा के पढ़ाता। जब मुझे आपको अच्छे से प्रॉपर वे में पढ़ाना है तो सही से पढ़ो, जहां से कुछ संभव है, जहां से इसका लाभ मिले। आप मेरे साथ आधे घंटे देते हो तो आधे घंटे का आपको लाभ जाए, मैं उस सिद्धांत पर कार्य करता हूं। आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, पूरी चीजें आपके सामने हैं, बहुत अच्छे से समझना, बाकी मैं चीजें बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। ग्रामीण विकास की अवधारणा में सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट यह जान लो कि ग्रामीण विकास यौन बहुआयामी जो है, ग्रामीण विकास एक बहुआयामी अवधारणा है। अवधारणा का मतलब कॉन्सेप्ट, बहुआयामी मतलब एक दिशा में विकास करके आप कुछ नहीं कर सकते, जिसका विश्लेषण दो दृष्टिकोणों से किया गया है। दो दृष्टिकोण इसमें आधार बनाए गए, पहला है संकुचित और दूसरा है व्यापक दृष्टिकोण। संकुचित का मतलब है कि जब हम नैरो थिंकिंग लेकर चले
और दूसरा व्यापक है, मतलब सब कुछ समेट के हम चले कि गांव में सब कुछ विकास हमें करना है, और एक संकीर्ण मानसिकता कि भैया गांव की मुख्य जरूरत यह है, ये कर दो हो गया काम, समझे। तो दोनों का कॉन्सेप्ट यह रहा कि जो संकुचित आपकी दृष्टि से ग्रामीण विकास होता है, जब संकुचित दृष्टि से ग्रामीण विकास की हम बात करेंगे तो इसमें जो मुख्य आपके बिंदु आते हैं यानी जिन पर विकास की बात की जाती है उनमें आपके कार्यक्रम आते हैं कौन कौन से। पहला तो कृषि हो गया, यह संकुचित दृष्टि से है, पहला कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ग्रामीण हस्तकला एवं उद्योग हो गया, ग्रामीण मूल संरचना में बदलाव करवा दे आदि के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, यह संकुचित विकास की अवधारणा है। दूसरी चीज बृहत स्तर पर अगर गांव में विकास करना तो उसकी थ्योरी क्या है, यह समझ लो। जो बृहत दृष्टि से ग्रामीण विकास का अर्थ है यह होता है ग्रामीण जनों के जीवन में गुणात्मक क्वालिटेटिव अगर हम कुछ चीजें डालें तो वह क्या है, जो है आपका बृहत विकास के अंतर्गत है। अगर हम गुणवत्ता उन्नति हेतु सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक प्रौद्योगिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन करें तो यह सब कुछ बृहत दृष्टि के अंतर्गत ग्रामीण विकास में आता है। तो ग्रामीण विकास की अवधारणा में दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो संकुचित और दूसरा बृहत दृष्टि, समझ गए। अब दोनों पर कार्य सरकार कैसे करी है इसको देखो। देखिए विश्व बैंक की अगर हम थ्योरी को बात करें तो विश्व बैंक ने यह कहा कि ग्रामीण विकास एक विशिष्ट समूह, विशिष्ट समूह मतलब स्पेशल ग्रुप, ठीक है, जिसे ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को उन्नत करने की एक रणनीति है, ठीक है। विश्व बैंक के द्वारा ग्रामीण विकास की जो परिभाषा दी गई वो यह दी गई कि जो ग्रामीण विकास है एक विशिष्ट समूह यानी ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को उन्नत करने की एक रणनीति है। यह विश्व बैंक के द्वारा थ्योरी दी गई कि ग्रामीण विकास का मतलब क्या है, ग्रामीण विकास का मतलब है कि गांवों के जो निर्धन हैं उनको हम उन्नत कैसे करें, उनके राजनीतिक उनके सामाजिक उनके आर्थिक हितों को साधने में हम कैसे मददगार हों, यह विश्व बैंक की थ्योरी रही। दूसरा कॉन्सेप्ट यह समझ लो, बसंत देसाई ने भी एक अपनी परिभाषा गढ़ी थी इसको लेकर के, 1988 की बात है, 1988 में इन्होंने कहा कि इसी रूप में ग्रामीण विकास को अगर हम परिभाषित करें तो ग्रामीण विकास एक अभिगम है, समझे, एसएस जहां हमारी पहुंच हो, अभिगम है, माध्यम है जिसके द्वारा ग्रामीण जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता में उन्नयन हेतु बढ़ावा देने हेतु क्षेत्रीय स्रोतों के बेहतर प्रयोग, ठीक है, या उपयोग क्या करे, यौम संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के आधार पर उनका सामाजिक आर्थिक विकास किया जाए। यानी हमें अगर विकास करना है तो हमारे पास रोल मॉडल होने चाहिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में करना है अगर गांव में वृद्धि तो गांव में कम से कम एक भैया कोई छोटा सा ही हॉस्पिटल हो, एक सामुदायिक केंद्र ही बनवा दो, इसी पर सामुदायिक केंद्र बनने लगे थे, पूरा का पूरा हर जगह मिलने लगा था। ब्लॉक स्तर पर क्या किया गया कि ब्लॉक स्तर पर भी आपके चिकित्सा केंद्र बनाए गए, जिला स्तर पर जिला अस्पताल बनाए गए, ठीक है, ये सब किसी इन्हीं के अंतर्गत है, ग्रामीण विकास को लेकर ये चीजें आई हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे एम्स बनने लगे हैं कई जगहों पर, तो ये सारी चीजें क्या है, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में गवर्नमेंट का कुछ योगदान होता है उसके बृहद दृष्टिकोण के अंतर्गत। दूसरी बात ये समझ लो, उनके नियोजन यौम आय के अवसरों को बढ़ाने का प्रयास करना होना चाहिए, ठीक है, ये ग्रामीण विकास की परिभाषा है। अगली चीज भैया क्रॉप, ठीक है, इन्होंने 1992 में एक थ्योरी दी ग्रामीण विकास को, ये इनका कहने का मतलब था कि सामूहिक प्रयासों के माध्यम से नगरीय क्षेत्र के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के जनजीवन को सुधारना एवं स्वावलंबी बनाना ही ग्रामीण विकास है, समझे। तो तीन परिभाषाएं आपको अलग अलग मिलती हैं यहां, ठीक है। एक जॉन हैरिस की परिभाषा देख लें, 1986 में आई थी, इन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास एक नीति एवं प्रक्रिया, यह शब्द इन्होंने जोड़ा कि जिसका आविर्भाव विश्व बैंक एवं संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं की नियोजित विकास की नई रणनीति के विशेष परिपेक्ष में हुआ है, ठीक है। इनकी थ्योरी यह रही कि ग्रामीण विकास, देखो ऐसा नहीं है कि भारत भैया ही सिर्फ गांवों का देश है, विश्व में हर देशों में गांव है, तो इसलिए विश्व बैंक की यहां बात आती है।
हर जगह पर गांवों को विकास करना था, ठीक है, गांवों के विकास को लेकर वहां की जो सरकारें बनती हैं उनके दायित्व को बताना था। इस वजह से हर एक बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन ने इसकी परिभाषा को गढ़ा है। दूसरी बात, ग्रामीण विकास की ये उपरोक्त जितनी परिभाषाओं रही परिभाषाएं हैं, इनके विश्लेषण में यह तथ्य उल्लेखनीय रूप से आपको मिलेगा कि ग्रामीण विकास की रणनीति में राज्य की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, राज्य के हस्तक्षेप के बगैर ग्रामवासियों के निजी अथवा सामूहिक प्रयासों, जो स्वयंसेवी संगठन होते हैं, इनके प्रयासों के आधार पर भी ग्रामीण जनजीवन को उन्नत करने के प्रयास होते रहते हैं। इन प्रयासों को ग्रामीण विकास की परिधि में क्या बोला गया, शामिल कर दिया गया। और दूसरी चीज, जो नियोजित ग्रामीण विकास है, इस प्रारूप में अगर देखें, नियोजित मतलब एक सिस्टम से अगर हम चलें, ठीक है, तो इसमें राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि भैया इंस्टीट्यूशन तो सर जो है राज्य के पास है, इंस्टीट्यूशन राज्य के पास है। हम अपना स्वयं सहायता समूह बना लें, गांव में क्या करें 10-15 जो है महिलाओं का एक संगठन बना दें कि आप भैया जो है अचार बनाना शुरू करो, आप पापड़ बनाना शुरू करो, मोमबत्ती बनाना शुरू करो, ठीक है, अगरबत्ती बनाना शुरू करो, धूप बत्ती बनाना शुरू करो, रुई की जो है जिनसे आरती करते हैं वो बनाना, फुलबत्ती बनाना शुरू करो। ये सब क्या है, स्वयं सहायता समूह से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास है गांव को। लेकिन अगर गांव में कोई आपका एक नियोजित विकास देना है, ठीक है, तो नियोजित विकास में राज्य की भूमिका सबसे अहम होती है, क्योंकि संस्थान राज्य के पास ही होते हैं, गांव के पास संस्थान नहीं है, आप अच्छे से जानते हो। दूसरी बात भैया यह है कि इस परिभाषाओं के विश्लेषण में अगर देखें तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपको यह मिलेगा क्या कि ग्रामीण विकास सिर्फ कृषि व्यवस्था एवं कृषि उत्पादन के साधन एवं संबंधों में परिवर्तन तक ही सीमित नहीं है। तो हमें सिर्फ कृषि को नीतियों को नहीं पढ़ना है या कृषि उत्पादन को नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमें और चीजों को पढ़ना होगा ग्रामीण विकास की परीक्षा में, ठीक है, इस लेखपाल की परीक्षा में, इस आपके भाग से अधिक अंक अर्जित करने को। क्या क्या, बल्कि ग्रामीण परिपेक्ष में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक, संरचनात्मक सभी पहलुओं में विकास की प्रक्रियाएं ग्रामीण विकास की परिधि में शामिल हूं, समझे। अब दूसरी बात भैया यहां से मैं, दूसरी बात यह आती है कि जो ग्रामीण पुनर्निर्माण के उपागम है, SS है, ठीक है, कौन कौन से आपके, अगर हम ग्रामीण पुनर्निर्माण शुरू कर दें तो इसमें कौन कौन से SS हमारे पास हैं और हमारी रणनीतियां क्या क्या हैं, स्ट्रेटजी क्या क्या है, समझिए इस चीज को। भारत में जो ग्रामीण विकास की रणनीति है यह अलग अलग अवस्थाओं में बदलती रही है। इसका कारण क्या है, क्यों बदल रही है ये रणनीतियां, क्योंकि ग्रामीण विकास के प्रति दृष्टिकोण हमारा बदल रहा। कभी हम कहते हैं पंचायती राज लाएंगे, पंचायती राज में कौन सी गवर्नमेंटें आई, किसी ने कभी उस पर अमल ही नहीं किया। बहुत दिनों के बाद पंचायती राज आया, 1950 में देश आजाद जो है 51 में प्रापल्लिक शुरू किया भैया, ठीक है, ये बताओ जब हम जो है 73वां संविधान संशोधन कर पाते हैं तब जाके वो लागू करवा पाते हैं। सोचिए, आप स्वयं सोचिए कि सरकारें कितना ज्यादा इसके लिए अपना जो है बहुत ज्यादा उन्माद दिखाई, कोई चाहता ही नहीं था। दूसरी बात ये समझ लो, वस्तुतः ग्रामीण भारत को विकसित करने हैं राज्य द्वारा अपनाए गए प्रमुख अभिगम, अभिगम का मतलब दृष्टिकोण निम्न है, जो पहले मैंने चर्चा किया था पहले पॉइंट पर। अब इस चीज को समझो, राज्य किन किन माध्यम से गांवों का विकास करता है, यहां यह थ्योरी निकल के आई, ठीक है। देखो भैया, पहली चीज जो राज्य अपनाते हैं वह होता है मल्टीपर्पज SS, बहुउद्देशीय अभिगम। इनके अंतर्गत क्या आता है, देखो जो मल्टीपर्पज SS होते हैं उनके अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करूं तो इनके अंतर्गत यह चीज होती है, यह मान्यता होती है कि गांव में लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु यह आवश्यक है कि इनकी प्रवृत्तियों एवं व्यवहारों को बदलने का संगठित प्रयास किया जाए। यह क्या बोलती है, यह थ्योरी यह बोलती है बहुउद्देशीय अभिगम, कि जो गांव के लोग हैं इनके सामाजिक एवं आर्थिक अगर हमें जीवन स्तर को बदलना है, सुधारना है, तो क्या इनकी जो प्रवृत्ति है, जिस कामों में ये लगे हैं, ठीक है, उस प्रवृत्ति को बदलो और इनके व्यवहार को बदलिए, तो इनके और वह किसमें होना चाहिए, संगठित प्रयास करना चाहिए, एक अकेले अकेले को नहीं, एक साथ सभी को,
15 लोगों को उठाया गया, एक स्वयं सहायता समूह से जोड़ दिया गया कि भैया आप क्या करिए, आप जो है मोमबत्ती बनाना शुरू करिए। 20 महिलाओं की टीम को लगा दिया गया कि आप पापड़ बनाइए, जो है दूसरी एक टीम बना दिया गया कि आप जो है अचार बनाइए। तो ये सब क्या है, अलग अलग एक संगठित। अब उनके काम, पहली महिलाएं खाली रहती थी, इस घर से उस घर, गांव की हालात जानते हो, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, नहीं तो ठीक है दिक्कतें आ जाएंगी। लेकिन ये समझो गांव की महिलाएं क्या है, जब तक काम है तब तक काम है, उसके बाद खाली, तो खाली में क्या, बगल घर इधर घर, ठीक है। तो उसमें क्या चीजें करनी, हमें प्रवृत्ति को बदल देना है, व्यवहार को बदल देना है। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं उनके जो प्रवृत्तियां बदलेंगी तो वो आत्मनिर्भरता की ओर जाएगी। दोस्तों इसी को समझो आगे क्या है, इस दृष्टिकोण के आधार पर 1952 में क्या किया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो है रणनीति अपनाई गई। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की रणनीति अपनाई गई, जिसमें राज्य के सहयोग से लोगों के सामूहिक एवं बहुउद्देशीय प्रयास को शामिल करते हुए उनके भौतिक एवं मानव संसाधनों को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, आपसे पूछता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से क्या शुरू किया गया, ठीक है, क्या प्रयास रहे। इस प्रकार बहुउद्देशीय जो उपगम है के अंतर्गत एक शैक्षिक एवं संगठनात्मक प्रक्रिया शुरू हुई थी, और जिससे कि सामाजिक आर्थिक विकास के अवरोधों को दूर करने पर बल दिया गया। दूसरी बात समझो, ये तो आपका क्या रहा, ये मैंने आपको समझाया बहुउद्देशीय अभिगम, मल्टीपर्पज से हम गांवों का विकास कैसे करें। दूसरा समझो, दूसरी जो थ्योरी है जिस पर गवर्नमेंट आपकी कार्य करती है राजी, वह है जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण अभिगम। ठीक है, जनतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये क्या चीजें हैं भाई, इसको समझिए। देखो भैया बात यह है कि इस दृष्टिकोण की प्रमुख मान्यता यह थी कि ग्रामीण विकास के लिए प्रशासन का विकेंद्रीकरण, ठीक है, जो मैं 73वां संविधान संशोधन बताता हूं, ये मैं पूरी चीजें आपको ऐसी थ्योरी बता रहा हूं कि जहां से मुख्य वजहें आती है, ठीक है, उन्हीं पर मैं विकास पूरी चीजें बात कर रहा हूं। तो और चूंकि ये चैप्टर वाइज है, मेरे बताने का तरीका आपका चैप्टर वाइज है कि सब कुछ पढ़ो तो जानो, नहीं तो कोई बात नहीं, यहां ध्यान दीजिए। पहले क्या मैंने बोला कि ये जो थ्योरी है ये कहती है कि ग्रामीण विकास के लिए प्रशासन का विकेंद्रीकरण एवं लोगों की जनतांत्रिक सहभागिता को बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, और यह आवश्यक इसने बताया कि ऐसा करना एसेंशियल है। इस अभिगम के अनुरूप भारत में पंचायती राज संस्थाओं का क्या होता है, आविर्भाव होता है यहां, ठीक है। पंचायती राज क्षेत्र जो है संस्थाओं का विकास किया गया, किस पर, डिसेंट्रलाइजेशन पर जो है थ्योरी पर कार्य करते हुए जो पंचायती राज आपकी संस्थाएं रही। दूसरी बात, जो क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर पर क्या किया गया, जो पंचायती राज संस्थाएं रही इनके द्वारा क्षेत्रीय स्तर एवं स्थानीय विकास कार्यक्रमों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन के द्वारा ग्रामीण संरचना में परिवर्तन की रणनीति अपनाई गई। तो दो थ्योरी मैंने बताई और दोनों राज्यों के द्वारा अपनाए जाते हैं। स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा, देखो दो कॉन्सेप्ट निकल गया है कि राज्य एक तो स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दे सकता, दूसरी थ्योरी ये कि वो जैसे मैंने बताया कि लोगों की प्रवृत्ति बदल दे, लोगों का व्यवहार बदल दे, स्वयं सहायता समूहों को शुरू करवाए। इसके लिए आप जानते भी हो बहुत सारे लोन की थ्योरी इस समय चल रही, गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों को लोन देती है, स्वयं सहायता समूहों को लोन दिया जाता है कि महिलाओं का ग्रुप है 8 से 10 महिलाएं तो उनको 1 लाख रुपए तक दिया जा सकता है। इधर आप जानते हो कि बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, 19 तक जो है लगभग बहुत सारी महिलाओं को जो है इस समूह के लिए शुरू करने के लिए कोई काम जो है उनको अच्छा खासा ऋण भी दिया गया है बैंकों के द्वारा। एक सरकार ने वो कर दिया था कि आपको इतना परसेंट ऋण वहां देना ही देना है। तो वो सब इसी थ्योरी के अंतर्गत आई, ग्रामीण विकास के अंतर्गत, ठीक है। अब आपको वर्तमान करंट अगर आप इशू जोड़ते हो और इस कॉन्सेप्ट को समझते हो तो दोनों चीजें आपकी जब रिलेट होंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसी करंट को मैं आर्थिक नियोजन में आगे और बढ़ा के जोड़ दूंगा तो पूरा सब कुछ आपका कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर हो जाएगा, समझे। देखो आगे बात करो, अब मैंने जो चीजें आपसे बताई थी अभी क्या कि अपने यहां एक ट्रिकल थ्योरी चलती है, पूछता है और पूछेगा ट्रिकल थ्योरी यानी अधोमुखी रिसाव, इसको हम अभिगम बोलते हैं, SS बोलते हैं, समझे। अब इसमें चीजें क्या आती हैं,
ट्रिकल डाउन थ्योरी, ये पूछा भी है सवाल मैंने जीएस 60 वाले में भी आपको करवाया है, ठीक है, कि ट्रिकल डाउन थ्योरी आपकी क्या होती है। देखो मैंने बताया कि आपको कि बूंद बूंद रिसाव गवर्नमेंट ये जो है किसी परियोजना पर कार्य करती है कि अगर हम कोई योजना चलाते हैं तो समाज का सबसे उच्च वर्ग और समाज का सबसे निचला तबका यानी ऊपर से शुरू हुआ तो बूंद बूंद पानी रिसते हुए सबसे नीचे तक जाएगा। यही थ्योरी क्या है, यही थ्योरी आपकी ट्रिकल डाउन जो है थ्योरी के तौर पर जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करते हैं, अगर बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद की, तो भैया 1950 के आरंभिक दशक में जहां पर हमें आजादी मिली हमने सोचा कि हमारे किसानों की समस्याएं क्या हैं, गांव में कैसी कैसी समस्याएं हैं, इनको लेकर सरकार संगठित रूप से जब कार्य करना प्रारंभ करती है तो आरंभ में यह राज्य की एक रणनीति क्या बनाई गई, किन मान्यताओं पर आधारित थी कि जिस प्रकार बोतल के ऊपर रखी कुप्पी, कुप्पी जानते हो ना, अरे तेल वगैरह डालने के लिए जो प्लास्टिक की कीप यूज करते हैं उसको कुप्पी कहते हैं गांव में। हां गवर्नमेंट क्या कह रही थी कि जिस प्रकार बोतल के ऊपर रखी कुप्पी में तेल डालने पर स्वाभाविक रूप से उसकी पेंदी में पहुंच जाता है और तेल के रिसने की प्रक्रिया को कुछ देर जारी रखा जाए तो बोतल भर जाती है, उसी प्रकार आर्थिक लाभ भी ऊपर से रिसते हुए ग्रामीण निर्धनों तक पहुंच जाएगा। गवर्नमेंट स्वयं से परिकल्पना करके बैठी थी इसमें, ठीक है, किसमें, अधोमुखी रिसाव यानी ट्रिकल डाउन थ्योरी में। अब क्या हुआ भैया 1950 के, ठीक है, आरंभ में पाश्चात्य, पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिमी, वेस्टर्न जो जो है नियोजन रहा, आर्थिक विशेषज्ञ रहे, यानी जो पश्चिमी आर्थिक विशेषज्ञ रहे, इन्होंने यह मत दिया कि ग्रामीण विकास समेत सभी प्रकार का विकास आर्थिक प्रगति पर ही आधारित है। इन्होंने ऐसा बोला कि लोगों की अगर जो है तुम इनकम बढ़ा दो, पैसा बढ़ा दो तो ग्रामीण विकास हो गया, यह वेस्टर्न पॉलिसी आई। अब क्या हुआ, इसलिए कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके ग्रामीण निर्धनता को दूर किया जा सकता है, यह वेस्टर्न की थ्योरी 1950 में आई, कुछ आपके वेस्टर्न विशेषज्ञ थे, आर्थिक विशेषज्ञ, उन्होंने दिया। अब भैया क्या हुआ, यहां की सरकार ने लगभग 10 सालों के बाद, एक दशक के अनुभव के बाद क्या किया, अनुभव के आधार पर यह उन्हें अब ज्ञात हो गया कि उनकी रणनीति ग्रामीण निर्धनता को दूर करने में असफल रही। यहां की सरकार को 1950 के शुरुआती दशक में 60 तक यह ज्ञात हुआ कि हम ऐसे रणनीति पर भैया कार्य नहीं कर पाएंगे। तत्पश्चात अर्थशास्त्री एवं समाज वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण बदल गया, जो थ्योरी सारे लोग दे रहे थे उनका भी दृष्टिकोण बदला और नए दृष्टिकोण की ओर से एक नई मान्यताएं यहां पर प्रारंभ होती हैं, पनपने लगती हैं। क्या, ध्यान दीजिए, नई दृष्टिकोण क्या आई कि अगर आर्थिक प्रगति के अलावा जो मैंने समझाया था शिक्षा को माध्यम बना दिया जाए, शिक्षा को माध्यम बनाए तो ग्रामीण जनता को शिक्षित करके उनमें जागरूकता लानी होगी, इस आधार पर हम उनका विकास कर पाएंगे, ग्रामीण विकास हो पाएगा। लोग जब जानने लगेंगे हर एक चीजें तो वो स्वयं से आत्मनिर्भर नहीं बनने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो ये था कि रुपया दे दो, लोग क्या हो गए, खुश हो गए, क्या रुपये से खुशी खरीदी जा सकती है, किसी का डेवलपमेंट किया जा सकता। हां मैं मानता हूं कि रुपया आपको खुशी दे सकता है लेकिन रुपये से हर खुशी नहीं खरीदी जा सकती। दूसरी बात, इस दृष्टिकोण पर आधारित जो प्रयास हुआ, इस प्रयास का परिणाम यह निकला कि शिक्षित ग्रामीणों ने हल चलाना, जब लोगों ने थ्योरी दी कि ग्रामीणों को पढ़ा दो लिखा दो, पढ़ लिख के शिक्षित हो जाए तो वो आत्मनिर्भर, और जब उनको ऐसी चीजें करी गई, शिक्षित बनाया गया, तो जो शिक्षित ग्रामीण थे ये हल चलाने एवं कृषि कार्य करने से इन्होंने मना कर दिया। अब हम पढ़ लिख लिए हैं तो जो है खेत में बैल लेकर जाएंगे ये लोग, मतलब सरकार ने कुछ और किया, कुछ और हो गया। अब क्या हुआ भैया, उनकी अभिरुचि केवल जो है बेत वसन कार्य में लग गई, वेतन वसन कार्य में लग गई, जिसको व्हाइट कॉलर वर्क बोलते हो कि भैया बढ़िया ठाट बाट से बैठे रहे, पैसा आता रहे, तो ये चीजों को फिर 1960 में फिर से इन चीजों पर कार्य हुआ 1960 में, और यह दृष्टिकोण पनपा कि लोगों की अभिवृत्तियों, ठीक, अभिवृत्ति मतलब एक्टिविटी एक तरीके की, लोगों की अभिवृत्तियों एवं उत्प्रेरकों में परिवर्तन किए बगैर ग्रामीण विकास संभव नहीं है, क्योंकि हमने
शिक्षित किया तो शिक्षित के बाद क्या आया कि भैया अब हम पढ़ लिख लिए, अब हम हल नहीं चलाएंगे, हल नहीं चलाएंगे तो सरकार के सामने और समस्या खड़ी हो गई। क्योंकि कृषि क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, या किसी भी देश में अगर पैदावार नहीं है भैया तो जो पढ़ी लिखी जनसंख्या है पैसा भी उसके पास आ गया तो खाएगी क्या, ये भी तो चाहिए। अब भैया क्या होता है 1960 के जब दशक का हमें परिणाम मिला, इस परिणाम के आधार पर यह अनुभव हुआ कि कुछ प्रकार की आर्थिक प्रगति ने सामाजिक न्याय में वृद्धि की है, किंतु अन्य अनेक प्रकार की प्रगति ने सामाजिक असमानता को बढ़ाया है। 1970 के दशक में योजनाओं एवं जो योजनाकार होते थे एवं जो आपके समाज वैज्ञानिक होते थे, इन सभी का दृष्टिकोण फिर बदल गया। और इस नए दृष्टिकोण की मान्यता यह थी कि सामाजिक आर्थिक विकास के लाभ स्वतः रिश्ते हुए ग्रामीण निर्धनों तक पहुंचने की धारणा भ्रामक है। तो जो ये आई थी आपकी, ठीक है, ट्रिकल डाउन थ्योरी, यह ट्रिकल डाउन थ्योरी 1970 तक क्या हो गई, लोगों को समझ में आ गया कि इससे कुछ नहीं होगा भैया, इससे और समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अब जब दो चीजें आप समझ गए बहुत अच्छे से, तो यहां पर आओ, हमें मेन मुद्दा क्या रिजल्ट मिला आपको, रिजल्ट आपको यह मिला कि ग्रामीण विकास हेतु भूमिहीनों, लघु किसानों एवं कृषि पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना होगा। अब गवर्नमेंट इस चीज पर पहुंच गई भैया कि किन पर किन पर, हम भूमिहीनों पर कार्य कर लें जिनके पास जमीनें नहीं है, लघु किसानों पर कार्य कर लें यानी जिनके पास खेत बहुत कम है, छोटे जो काश्तकार हैं, कृषि पर कार्य कर लें, तो इनसे कार्य करने से हम क्या करेंगे, गांवों के विकास में कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। अब ये जो आपका एसएस रहा, अभिगम रहा, इसके अंतर्गत हम नई शुरुआत की ओर बढ़ते हैं, ठीक। और नई शुरुआत में हमने एक नई चीजों को लाया, और वह चीज क्या रही, जन सहभागिता अभिगम को अब हमने शुरू किया। जन सहभागिता मतलब लोगों की जो है सहभागिता बढ़े, जो है गवर्नमेंट ने ऐसी नीतियां प्रारंभ की, इसको समझो क्या रही जन सहभागिता। जो यह उपागम है एसएस है कि प्रमुख मान्यता यह थी कि ग्रामीण विकास की पूरी प्रक्रिया को जन सहभागी बनाना होगा, हर एक लोग उसमें आए, ग्रामीण विकास के डेवलपमेंट में सभी का योगदान हो, और ग्रामीण विकास की पूरी प्रक्रिया को जन सहभागी बनाने के लिए ग्रामीण विकास के लिए किए जाने वाले प्रशासन को ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि लोगों के साथ मिलकर किए जाने वाले प्रशासन के रूप में परिवर्तित करना होगा, स्थानीय स्वशासन पर बल देना होगा, साफ तौर पर यह समझ लो, ठीक है, कि अब हमें स्थानीय स्वशासन पर बल देना होगा, हमारे बीच का मेयर चुनो, हमारे बीच का सरपंच चुनो, हमारे बीच का प्रधान चुनो, समझे। अब बातें क्या आती भैया, ग्रामीण जनों से आशय यह बना कि वह लोग जो विकास की प्रक्रिया से अछूते रह गए हैं तथा जो विकास की प्रक्रिया से, ठीक है, विकास की प्रक्रिया के शिकार हुए हैं, ठीक है, या ठगे गए हैं, बोला गया नौकरी लगवा देंगे 5 लाख दे दो। सहभागिता का आशय यह है कि ग्रामीण विकास हेतु स्रोतों के आवंटन एवं वितरण, इस चीज पर फोकस करिएगा, आवंटन एवं वितरण में इन ग्रामीण समूहों की जो भागीदारी रही, ठीक है, इस भागीदारी को अगर हम बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, जिन लोगों तक आपको सुविधाएं नहीं पहुंच रही वो सुविधाएं उन तक पहुंचने लगेंगी, और जन सहभागिता अभिगम पर आधारित रणनीति को क्रियान्वित, लागू यानी करने की दिशा में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के विस्तार, यहां पर विस्तार पर हम चर्चा करते, शुरुआत नहीं, शुरुआत तो हो ही गई थी, विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के विकास, समझे, स्वयंसेवी संस्थाओं, संयुक्त समिति, ग्राम पंचायत आदि को प्रोत्साहित करने के तमाम प्रयास किए गए। जब गवर्नमेंट इतना कुछ कर ली तब यहां से प्रारंभ होता है। अब आगे बढ़िए, आगे यह है दूसरी चीज क्या बनाया गया, लक्ष्य समूह अभिगम निर्धारित किए गए। लक्ष्य समूह का मतलब क्या, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से प्राप्त जो परिणाम रहे इनके आधार पर यह अनुभव हुआ, ठीक है, कि वे ये कार्यक्रम ग्रामीण समुदाय में असमानता दूर करने में असफल रहे हैं। अब ग्रामीण विसंगतियों में सुधार के दृष्टिकोण विकसित हुआ और विविध समूह जैसे भूमिहीन मजदूर जो हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, ग्रामीण शिशु हैं, छोटे किसान हैं, जनजाति हैं आदि को लक्ष्य बनाकर इनके विकास कार्यक्रम जो है चलाने होंगे, ऐसा गवर्नमेंट को समझ में आ गई कि अब लक्षित विकास पर प्रारंभ किया गवर्नमेंट ने। लक्षित विकास थ्योरी आप पढ़े होंगे, ठीक है, इकोनॉमी जब आपने पढ़ा होगा,
ठीक है। इस दृष्टिकोण के आधार पर दो प्रकार के प्रयास किए गए, इसको समझना ठीक है। जो लक्षित विकास रहा, लक्षित विकास पर दो तरीके के प्रयास गवर्नमेंट ने शुरू किया। पहला तो आपका रहा कि जो भूमि सुधार के माध्यम से भूमिहीनों को भू स्वामित्व दिलाने का प्रयास किया गया, भूमि सुधार यहां से प्रारंभ हो गया ठीक है। दूसरा क्या किया गया, जो बा वाली थ्योरी है, दूसरी मुर्गी पालन, पशुपालन तथा अन्य सहयोगी कार्यक्रमों के जरिए रोजगार के अवसर विकसित किए गए। दो थ्योरी पर गवर्नमेंट यहां से कार्य करना प्रारंभ करती है। किस पर? एक तो भूमि सुधार के प्रयास शुरू किया गया, क्यों? क्योंकि जो भूमिहीन है इनको भू स्वामित्व दिला दिए। और दूसरी बात, जो आपका जैसे रोजगार का अवसर है उसमें रोजगार के क्षेत्रों को बढ़ावा दो, मुर्गी पालन शुरू करवाया, पशुपालन, अन्य सहयोगी कार्यक्रम भी इसमें रोजगार के लिए वृद्धि के लिए गवर्नमेंट के प्रयास यहां प्रारंभ हो गए। अब देखो यहां पर इस चीज को समझिए, जो ग्रामीण महिलाएं एवं शिशु थे ठीक है, जनजाति थी, अन्य लक्षित समूहों के लिए पृथक पृथक कार्यक्रम यहां पर चलाना प्रारंभ हो गया। अब क्षेत्रीय विकास अभिगम यहां प्रारंभ हुआ और एक थ्योरी आती है समन्वित ग्रामीण विकास अभिगम। क्षेत्रीय विकास का मतलब ठीक है, एक पर्टिकुलर आप एरिया चुन लो, क्षेत्र चुन लो, दायरा चुन लो, उसमें विकास को लेकर योजना चला दो। जनजातीय विकास, जनजातीय बच्चों के लिए ये, जनजातीय लोगों के लिए ये योजना चलती है कि नहीं चलती, तो वो चीजें रही। ग्रामीण विकास के क्षेत्रीय अभिगम की मान्यता क्या है कि भारत के विशाल भौगोलिक क्षेत्र में अनेक गुणात्मक भिन्नताएं हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्र हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया, रेगिस्तानी क्षेत्र, जनजाति बहुल क्षेत्र आदि की समस्याएं समरूपीय नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पर है। अतः ग्रामीण विकास की रणनीति में क्षेत्र विशेष की समस्याओं को आधार बनाया जाना चाहिए और इस उपागम के अनुरूप अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पृथक पृथक विकास कार्यक्रम निर्धारित किए गए और उनका क्रियान्वयन हुआ। यह किसमें किया गया? यह आपका किया गया था क्षेत्रीय विकास अभिगम के अंतर्गत। दूसरी चीज जो आपका समन्वित विकास, आपका यह ग्रामीण विकास अभिगम रहा, इसके अंतर्गत क्या हुआ? बात है 1970 के दशक की ठीक है, इसके अंत यानी 1980 तक की बात है। ग्रामीण विकास की रणनीतियों एवं कार्यक्रमों की असफलता से सबक लेते हुए एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ जो समन्वित ग्रामीण विकास अभिगम के नाम से जाना जाता है ठीक है। इस अभिगम की मान्यता क्या रही? जो ये थ्योरी मान के चल रहे थे उसमें इनका मानना था कि ग्रामीण विकास के परंपरागत दृष्टिकोण में मूलभूत दोष यह था कि वह ग्रामीण निर्धनों के विपरीत ग्रामीण धनिकों के पक्षधर थे, जो पहला का कार्यक्रम आया था आपका, तथा उनके कार्यक्रमों एवं क्रियान्वयन पद्धतियों में कई अन्य कमियां थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वो चीजें हमें अपेक्षित रिजल्ट नहीं दे पाई जिन पर हमने यह शुरू किया था। अब क्या हुआ? अब चीजों को हमने समझा और समन्वित ग्रामीण विकास जो अभिगम लाए, इसके अंतर्गत एक और ग्रामीण जनजीवन के विविध पहलुओं, जैसे आर्थिक पहलू हो गया, हर ग्रामीण को सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी को एक साथ समन्वित कंबाइन करके एक चीज चलाई गई ठीक है। और क्या हुआ, इन कार्यक्रमों का एक विशेष कार्यक्रम इन सभी के लिए जो है चलाए गए। दूसरी ओर जो विकास का लाभ वितरण है इसको महत्वपूर्ण माना गया कि हर एक व्यक्ति को गांव के विकास का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए विविध जो है अवलोकन अगर आप करोगे अलग अलग क्षेत्रों में, तो ग्रामीण विकास के प्रति चिंतन की दिशाएं समय समय पर बदलती रहती हैं। अब इसी पर क्या किया गया, दूसरी चीजें आ गई। अब ये जो चीजें मैंने बताया ठीक है कि जहां पर ये चीजें, यह माना गया, एक थ्योरी तो हो गई कि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी को एक साथ कंबाइन किया गया कि सब कुछ हम बेहतर कैसे करें, तो एक तो इनके लिए कार्यक्रम निर्धारण पर बल दिया गया। वहीं दूसरी ओर सरकार ने क्या किया, विकास के लाभ के वितरण को प्रारंभ किया। अब इस थ्योरी में क्या किया गवर्नमेंट ने, इसी में आपको एक चीज आपको मिलेगा, स्वयं सेवा समूह एवं लघु वित्त अभिगम। छोटे छोटे जो है स्वयं सेवा समूह बनाए गए और लघु वित्त अभिगम पर गवर्नमेंट ने फोकस किया। इससे क्या होगा, 1990 के दशक के उत्तरार्ध यानी मतलब शुरुआत से ठीक है लेकर के वर्तमान में, अगर आप मतलब सबसे अंतिम से लेकर के 1990 लगभग आप ये मान लो कि सबसे लास्ट वाला ग्रामीण विकास की मुख्य रणनीति है। मैंने सब कुछ आपको अलग अलग किस दशक में क्या चीजें हुई आजादी से लेकर, आप लोगों ने कहा भी था कि सर ऐसा पढ़ाइएगा जिसमें आजादी से आज तक की सब कुछ हो, तो आज मैं उन चीजों को समझा दे रहा हूं, फिर इनकी पूरी जो है आपको योजनाओं को बता दूंगा। तो जो यहां से प्रश्न बनते हैं वो सब कुछ आपका कॉन्सेप्ट
एक साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात भैया ये समझ लो, स्वयं सहायता जो समूह होते हैं इनका निर्माण करना और वित्तीय संस्थाओं जैसे ग्रामीण बैंक बनाए गए, नाबार्ड आदि द्वारा उन्हें लघु अनुदान प्रदान करते हुए स्वावलंबी समूह के रूप में उनका विकास करना। मैं बार बार इस स्वावलंबिता पर आता हूं। ठीक है, इस दृष्टि से ग्रामीण जो निर्धन महिलाएं हैं ये उन पुरुषों के छोटे छोटे समूह जिसमें 10 से 15 सदस्य शामिल हैं विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं उद्योग में वो आज भी संलग्न हैं। ठीक है, और एक स्वयं सहायता समूह के रूप में विकसित होते हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्रामीण पुनर्निर्माण का गांधीवादी उपागम। यही गांधीवादी सिद्धांत आप लोग बहुत परेशान थे तो इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहां से थ्योरी पूछता है कि निम्न में से कौन ग्रामीण विकास के लिए गांधीवादी जो है सिद्धांत नहीं है या गांधी के द्वारा, तो इससे सवाल पूछता है। आप इसी को बहुत अच्छे से बता दो तो आज का पूरा पूरा आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखो भैया, ये जो ग्रामीण पुनर्निर्माण है ना, इसका आशय क्या है? पुनर्निर्माण मतलब एक बार फिर से रिकॉन्स्ट्रक्ट जो है करिए आप। ग्रामीण पुनर्निर्माण, हमने निर्माण प्रारंभ किया फिर से शुरू करना, इसका मतलब होता है कि गांवों को विकसित एवं रूपांतरित करते हुए उनका पुनः निर्माण करो। गांव में जहां हर जगह छप्पर दिखाई दे रहा है पक्के मकान करवाओ, नालियां बनवाओ, सड़कें को अच्छी करो, मतलब ग्रामीण गांवों को विकसित करिए और रूपांतरित करते रहिए। ठीक है, ग्रामीण विकास के उपागम विभिन्न हैं, एसएस बहुत सारे हैं। मोटे तौर पर अगर देखें इन उपागमों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता, एक संघर्षवादी है आपका और दूसरा क्या है प्रत्यारीवादी उपागम। मतलब एक अगर आप प्रारंभ करोगे तो लोग भिड़े हैं, हर कोई अपने स्तर से भिड़ा है, और दूसरा प्रकारीवादी है यानी स्टेप वाइज। देखो, संघर्षवादी प्रारूप में ग्रामीण जो पुनर्निर्माण है इसकी प्रक्रिया द्वंद्वात्मक है, आपस में भिड़ना एक दूसरे से द्वंद मचा रहे, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के परिवर्तन के जरिए संपूर्ण ग्रामीण संरचना का पुनर्निर्माण संभव है जिसमें सामाजिक संघर्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके विपरीत जो प्रकारवादी प्रारूप है इसमें सामाजिक संघर्ष की बजाय अनुकूलन एवं सामंजस्य ठीक है बना के कार्य किया जाता है, ग्रामीण संरचना का रूपांतरण पुनर्निर्माण किया जाता है। देखो, महात्मा गांधी की जो ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना रही इसको दो प्रमुख आधारों पर हम समझ सकते हैं। प्रमुख आधार पर कौन कौन से है? प्रथम यह कि गांधी किस प्रकार का ग्राम बनाना चाहते थे, गांधी जी की क्या सोच थी गांव कैसे होने चाहिए। ठीक है, दूसरी यह चीज थी भैया कि उनकी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना वर्तमान समाज में कितनी प्रासंगिक है। आज अगर देखें तो गांधी जी जो थ्योरी लेकर चलते थे कि गांव ऐसे होने चाहिए वो आज थ्योरी आपकी कहां पर लागू होती है, समझे? समझो, यानी वस्तुतः गांधी की जो ग्रामीण पुनर्निर्माण की परिकल्पना है ठीक है जैसा वो सोच रखते थे उनके विचारों एवं उनके मूल्यों पर आधारित है। गांधी के विचार दर्शन एवं सिद्धांत के प्रमुख अव्यय क्या हैं कि सत्य के प्रति आस्था होनी चाहिए, ये तो पढ़ा ही होगा। अहिंसा की रणनीति पर ये कार्य करते थे। विध्वंस एवं निर्माण की समकालिता होनी चाहिए। साधन की पवित्रता के माध्यम से लक्ष्य की पूर्ति होनी चाहिए। गैर प्रतिस्पर्धात्मक एवं अहिंसक समाज का गठन होना चाहिए जहां हिंसा ना हो, गांधी जी ऐसा कहते थे। अगली चीज, धरातल बद्धमूल विकास होना चाहिए। बृहद उद्योगों की बजाय कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन होना चाहिए, यह बहुत बार पूछा है ठीक है यह सवाल। दूसरी चीज, श्रम आधारित प्रौद्योगिकी की महत्ता होनी चाहिए। ग्रामीण गणराज्य एवं ग्राम स्वराज्य के आधार पर ग्राम स्वावलंबन की स्थापना होनी चाहिए। यह सब गांधी जी की अपनी थ्योरी रही। अब भैया क्या हुआ कि गांधी की दृष्टि में जो विकेंद्रित ग्रामीण विकास की रणनीति को ग्रामीण पुनर्निर्माण में आधारभूत बनाना अनिवार्य है। विकेंद्रित ठीक है, एक तो केंद्रित होता है, डिसेंट्रलाइज इनकी गांधी जी की जो थ्योरी थी कि डिसेंट्रलाइज करो पावर को लेकर के, एक तरीके से इन्होंने पंचायती राज के गठन पर बल दिया गांधी जी ने ठीक है। और गांधी ग्रामीण विकास को संपोषित स्वरूप प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रकृति के दोहन की बजाय प्रकृति से तादात्म्य बनाने का सुझाव दिया। उनकी दृष्टि में नैतिक शिक्षा एवं प्रकृति से प्रेम करने की शिक्षा दी जानी चाहिए, यह गांधी जी की थ्योरी है। सादा जीवन उच्च विचार के अपने आदर्शों के अनुरूप उन्होंने लालच से बचने एवं अपनी आवश्यकताओं को सीमित करने का सुझाव दिया, गांधी जी यही कहते थे।
इन्होंने गांधी जी की थ्योरी थी कि प्रकृति के पास इतना पर्याप्त स्रोत है कि वह संसार के समस्त प्राणियों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है, किंतु लालच को पूरा कर पाने में संपूर्ण पृथ्वी अपर्याप्त है। हमें प्रकृति से उतना लेना चाहिए जितना हमारी जरूरत। अब ये नहीं कि मिल गया तो एकदम इकट्ठा कर डालू। आगे क्या है भैया, गांधी की दृष्टि में ग्रामीण रूपांतरण एवं ग्रामीण पुनर्निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया में गांव की स्वाभाविक विशेषता सुरक्षित बनाए रखना आवश्यक है। जैसे गांव है तो उनकी विशेषता बनी रहनी चाहिए, नहीं सब कुछ रूपांतरित कर डालो। अगली चीज है ग्रामीण औद्योगिकीकरण परिपेक्ष में उन्होंने खादी एवं ग्रामोद्योग ठीक है को विकसित करने पर विशेष बल दिया। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा पोषित आधुनिक सभ्यता को आर्थिक क्लेश का प्रमुख कारक माना था। गांधी जी ने किसमें, इनकी पुस्तक थी हिंद स्वराज में, गांधी जी ने किसको कारक माना, ब्रिटिश की जो उनकी आधुनिक सभ्यता की थी, तथा इनसे मुक्ति हो तो उन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति के मूल्यों सत्य अहिंसा नैतिक प्रगति को पुनर्जीवित करते हुए मानव विकास की परिकल्पना की। खादी आंदोलन को औपनिवेशिक संघर्ष का माध्यम बनाते हुए उन्होंने महिलाओं एवं समस्त ग्रामीण जन समूहों को न सिर्फ आर्थिक एवं राजनीतिक सक्रिय भागीदार बनाया बल्कि उन्हें सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने का भी प्रयास किया था। अब गांधी जी की थ्योरी को और आगे बढ़िए, गांधी की परिकल्पना में यानी इनकी सोच में ग्रामीण उद्योग जो की परिधि में वह समस्त गतिविधियां कार्य एवं व्यवसाय सम्मिलित हैं जिसमें ग्राम स्तर पर ग्रामीणों के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। स्थानीय क्षेत्रों में उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करते हुए सरल प्रक्रिया उत्पादन की सरल प्रक्रिया अपनाते हुए क्या किया जाए, केवल उन्हीं उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जो ग्रामीणों की सीमित आर्थिक क्षमता में संभव है, जिसकी प्रौद्योगिकी निर्जीव शक्ति जैसे विद्युत मोटर इत्यादि की बजाय जीवित शक्ति हो जैसे मनुष्य पशु पक्षी द्वारा संचालित होती हो, तथा जिसमें मानव श्रम का विस्थापन नहीं किया जाता। यानी गांधी जी आधुनिक जैसे हर एक कार्य रोबोट कर रहे, तो गांधी जी इसके खिलाफ थे, ये चाहते थे मानव श्रम को हटाया ना जाए। लेकिन आजकल जो है लगातार मशीनें बढ़ रही, ये सब नीतियां क्या है गांधी जी के खिलाफ है भाई। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी ने आधुनिक मशीन आधारित उत्पादन प्रणाली की बजाय मानव श्रम पर आधारित उत्पादन प्रणाली पर बल दिया था, क्योंकि उनकी दृष्टि में भारत जैसी विशाल आबादी वाले देश में अधिकांश लोगों को रोजगार प्रदान करने वाली या जो है सर्वोत्तम विकल्प है। गांधी के ग्रामोद्योग की परिकल्पना ने जहां एक ओर हिंसा रहित शोषण विहीन समानता के अवसर युक्त प्रकृति को संरक्षित एवं संपोषित करने वाले ग्रामीण उद्योगों के विकास का पथ प्रदर्शित किया, वहीं दूसरी ओर उत्पादन की प्रक्रिया में मशीनों के प्रयोग बाजार एवं साख से जुड़े प्रश्न समेत अनेक वाद विवाद पर भी उत्पादन किया। यहां पर वाद विवाद प्रारंभ हो गए कि अगर हम मशीनों का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी उत्पादन क्षमता घट जाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था में लचर जो है पैदा हो जाएगा। अब इन सब नीतियों पर तो गांधी जी के विपरीत लोग होंगे ही। स्वतंत्र भारत के बाजार में ठीक है अनुभवों के आधार पर इस तरह के प्रश्न उभरे कि खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों का बाजार अत्यंत सीमित है, इनके उत्पादकों की आर्थिक दशा दयनीय है क्योंकि मशीन आधारित उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा में ये पिछड़े हैं। अब इन सभी पर सारी चीजों को देखते हुए जो गांधीवादी सिद्धांत है इनमें हम संशोधन करते रहते हैं, समझे, अपने हिसाब से। आरंभिक अवस्था में खादी हेतु बाजार का प्रश्न गांधी के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, उन्होंने भारतीयों को खादी वस्त्र धारण करने का संदेश दिया जिसमें खादी के लिए बाजार से जुड़े प्रश्न का उत्तर जो है सन्निहित था। 1946 में गांधी ने बाजार की मांग के अनुरूप वाणिज्यिक खादी एवं हैंडलूम के अलावा पावर लूम को भी स्वीकृति दी थी गांधी जी ने, ठीक है। स्वतंत्र भारत में 1948 की प्रथम औद्योगिक नीति से लेकर, तो यह भी पूछता है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब आई, 1948 में, 1991 की नई लघु उद्यम नीति तक ग्रामीण रोजगार सृजन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित किया गया, किंतु व्यवहारिक स्तर पर गांधीवादी जो उपागम है इसका आधार क्या है, इसका आधार आपका ग्रामीण विकास को ही लेकर के क्या है कि ग्रामीण निर्धनता एवं बेरोजगारी उन्मूलन में पूर्णतया सफल नहीं हो पाई, गांधीवादी विकास। अब भैया विविध समस्याएं अभी भी बनी है, जैसे
खादी उत्पादकों की आय इतनी कम है, आप पढ़ते हैं कि इसके जरिए वो निर्धनता रेखा से ऊपर उठने में असमर्थ है, समझे। गरीबी भी आपको पढ़ना है, गरीबी से प्रश्न पूछा था तो उसको भी बताऊंगा। हाल ही में महिला विकास अध्ययन केंद्र गुजरात द्वारा किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्य इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं कि खादी उत्पादकों के लिए बाजार एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। उनके लिए बाजार ही नहीं है, कहां अपने प्रोडक्ट दे। दूसरी बात, कोऑपरेटिव संस्थाओं के जरिए खादी एवं अन्य कुटीर उत्पाद बाजारीकरण और उत्पादक संबंधी जो है संस्थागत क्या बोलते हैं संस्थागत प्रयास प्राय असफल गए और गांधी के ग्रामीण पुनर्निर्माण की रणनीति का आविर्भाव क्या रह गया, एक विशिष्ट ऐतिहासिक एवं सामाजिक आर्थिक परिपेक्ष में हुआ, समझे। आगे इसी में बहुत सारी इनकी परिकल्पनाएं रही, ठीक है, लेकिन उन सभी को क्या किया गया, धीरे धीरे सब कुछ समाहित कर दिया गया। और आधुनिकता के जो पक्षधर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने यह स्वीकार किया कि तीव्र प्रगति हेतु आधुनिक मशीनों का उपयोग आवश्यक है, किंतु भारत की बहुसंख्यक आबादी के परिपेक्ष में गांधी का जो मानव श्रम की थ्योरी है पर आधारित प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने संबंधी दृष्टिकोण अत्यंत भी प्रासंगिक है। यह जवाहरलाल नेहरू जी का कथन था। अब इसके आगे हमें क्या बात करनी है, इससे आगे हम बात करेंगे कि ये जितनी चीजें मैंने आपसे बात की, गांधीवादी सिद्धांत क्या रहा, क्योंकि इससे प्रश्न पूछता है, ठीक है, कि गांधी जी किन पर गांवों का विकास करना चाहते थे या ग्रामीण विकास की परिभाषा निम्न में से किसकी है, इन सभी पर आधारित पूछता है। तो आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ग्रामीण विकास को लेकर सरकार का नजरिया क्या रहा, कोई कार्यक्रम चलाए गए तो क्यों चलाए गए, इन सभी में मुझे उम्मीद है कि बहुत विधिवत समझ में आया होगा। इसके बाद पुनः नए लेक्चर में मिलते हैं। आपको नोट्स अगर जो है जरूरी लग रही तो आप नोट्स जरूर लें, क्योंकि भैया नोट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक मस्त होकर पढ़िए, सारी चीजें यहां मिल रही हैं। टीम परीक्षा प्लस आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करती रहेगी। सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद।